अंडरग्राउंड मिर्ची गोडाउन। बाके सिंह नाम का एक मिर्ची का बहुत बड़ा व्यापारी था। वो एक नंबर का लालची किस्म का आदमी था। वो हमेशा आसपास के सभी किसानों से मिर्ची खरीद के अपने अंडरग्राउंड गोडाउन में रखता था और ज्यादा दाम में बेचता। एक दिन रमेश नाम का आदमी कहता है, क्या बाके सिंह जी, मिर्ची के दाम बहुत कम हो गए और आप फिर भी महंगे रेट में बेच रहे हो। इतना लालच भी अच्छा नहीं है। क्यों रे, तुमको जहाँ सस्ते में मिल रही है वही जाकर क्यों नहीं खरीदते? यहाँ पर क्या अपनी कब्र खुदवाने आए हो? बाके ऐसा बोलकर लोगों को धमकाता था और कहता था, मैं टॉप क्वालिटी की मिर्ची बेचता हूँ, इस कारण इतना महंगा बेचता हूँ। जिसको खरीदनी है खरीदो, नहीं तो भागो यहाँ से। आसपास में कहीं भी मिर्ची ना मिलने के कारण लोग उसी से खरीदते थे। कुछ दूर में लोग बातें कर रहे थे। अरे गलती हम लोगों की है, मिर्ची को हम इतना अपना बना चुके हैं कि इसके बिना कोई भी सब्जी पसंद ही नहीं आती। अरे और दूसरे जगह से तो खरीद भी नहीं सकते, ये तो वही बात हो गई, चार आने की मुर्गी और बारह आने का मसाला। एक दिन बाके सिंह अपने शॉप के पास बैठा था, तभी एक आदमी भागते हुए आया और कहने लगा, सेठ जी क्या आपको पता है अभी क्या चल रहा है? क्यों रे, क्या हुआ, जल्दी बोल। पड़ोस के राज्य में सभी लोगों को रातों रात शुगर की बीमारी हो रही है और डॉक्टर का कहना है कि ये मिर्ची खाने से ही ठीक हो जाएगा। इस कारण मिर्ची की बहुत डिमांड बढ़ रही है। क्या बात कर रहा है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। कुछ दिनों में वो बीमारी इस गांव में भी आ गई, जिसके कारण पूरे गांव के लोगों को शुगर हो गया और सभी लोग बाके के पास मिर्ची खरीदने आ गए ताकि उनका इलाज हो सके। देखो गांव वालों, मेरे पास भी मिर्ची की बहुत कमी है, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल से मिर्ची लाया हूँ, इस कारण 150 रुपए किलो में बेच रहा हूँ। लेकिन सेठ जी इतना महंगा क्यों? देखो रे, तुमको खरीदना है तो खरीदो, वरना रहने दो और शुगर की बीमारी से मरो। लोग मजबूर थे, इस कारण इतने रुपयों में भी लोग खरीद कर ले गए। एक दिन चौराहे पे कुछ लोग खड़े थे, तभी एक साधु बाबा वहाँ पे आए और कहने लगे, अरे पुत्र, मैं कब से देख रहा हूँ गाँव के लोगों को ये क्या हो गया है। सभी लोग उस बाबा को बीमारी और बाके के बारे में बता देते है। ये सुनकर साधु बाबा कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, मैं अभी तुम्हारी समस्या दूर करने का उपाय बताता हूँ। ऐसा कह के साधु एक मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ह्रीम क्लीम, ओम ह्रीम क्लीम, हेलीकॉप्टर प्रकट हो जा, ओम फट स्वाहा। हा, वहाँ तुरंत ही एक मिर्ची हेलीकॉप्टर प्रकट हो जाता है। तभी बगल में खड़ा एक आदमी हंसते हुए कहता है, साधु बाबा, अगर किसी को पॉटी की समस्या हुई तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए पॉटी वाला हेलीकॉप्टर बना देंगे क्या? अरे मूर्ख, मुझ जैसे बाबा के साथ मजाक करता है? ज्यादा मत बोल, नहीं तो पॉटी करने वाला छेद ही बंद कर दूंगा और तेरी बॉडी में इतने छेद कर दूंगा कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि हगना कहाँ से है और सांस कहाँ से ले, समझा? साधु गांव वालों को पूरा खेल समझा देता है, जिससे मिर्ची की समस्या दूर हो जाएगी। और काम होने के बाद उस मिर्ची हेलीकॉप्टर को उसी अंडरग्राउंड गोडाउन के पास छोड़ देने के लिए कहता है और साधु बाबा गायब हो जाते हैं। फिर वो लोग मिर्ची हेलीकॉप्टर में बैठ के बाके का पीछा करते हैं और गोडाउन का पता लगाते हैं और बाके के जाते ही वो सभी मिर्ची को उस हेलीकॉप्टर में खींच लेते हैं और पूरे गांव में मिर्ची की बारिश करते हैं। और जैसे ही उनका काम खत्म होता है, वो लोग अंडरग्राउंड गोडाउन के ऊपर मिर्ची हेलीकॉप्टर छोड़ देते हैं। मिर्ची की बारिश देख बाके कहने लगता है, अरे ये कहीं मेरी मिर्ची तो नहीं। ऐसा सोचकर वो तुरंत दौड़कर अपने अंडरग्राउंड गोडाउन के पास पहुंचता है और देखता है कि वहां दरवाजे के पास एक मिर्ची हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। उसे देख बाके हैरान हो जाता है और देखते ही देखते हेलीकॉप्टर में जोर का धमाका होता है और उसके साथ ही पूरा अंडरग्राउंड मिर्ची गोडाउन जल जाता है। बाके रोने लगता है, हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरा पूरा गोडाउन जल गया, मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगा। कुछ देर रोने के बाद उसको एहसास होता है कि यह सब उसके लालच के कारण हुआ और वो कहने लगता है, हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। हरी मिर्च प्रतियोगिता। जनकपुर नाम के गांव में एक बार ग्रीन चिली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले का एक साल तक का खाने का खर्चा पंचायत ही उठाएगी, ऐसी शर्त थी। इस वजह से गांव के सारे लोगों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन ग्रीन चिली का नाम सुनते ही कोई भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगे नहीं आया, तो इस वजह से पंचायत इस प्रतियोगिता को रोकने की सोच रही थी कि तभी लंबू और जंबू नाम के दो आदमी वहां आते हैं। हे गांव के पंचू,
इस प्रतियोगिता में हम भाग लेंगे। क्यों जम्बू, क्या कहते हो? लिम्बू, गांव के पंचो, हम इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। दोनों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गांव के पंच मंजूरी देते हैं। भीम के जैसे दिख रहे इन दोनों को देखकर गांव के पंच प्रतियोगिता में कुछ छोटे से बदलाव करते हैं। एक और टेबल को रखकर उस पर ग्रीन चिली रखते हैं। उससे थोड़ी ही दूरी पर, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर, दूसरा टेबल लगाकर उस पर अंडे रखते हैं। अंडे का नाम सुनते ही लंबू चंबू के मुंह में पानी आ जाता है कि तब वो मन ही मन खुश हो जाते हैं। सुना है क्या जम्बू, अंडे भी हैं? है, सुना है लंबू, आज हमारा अंडों का त्योहार है। ये सोचकर दोनों खुश हो रहे थे कि पहले मिर्ची खाना है, उसके बाद भागते हुए जाकर अंडा खाना है। इस तरह 5 मिनट में कौन कितने ज्यादा खाएगा वही विजेता होगा। और पंचायत के अनुसार विजेता को 1 साल तक का भोजन पंचायत ही देगी। तुरंत लंबू कहता है, अब 5 मिनट का वक्त नहीं, 10 मिनट का समय रखिए। समय बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हो? अरे ज्यादा समय मिला तो हम लोग ज्यादा अंडे खा सकते हैं। अंडे के साथ साथ मिर्ची भी खानी है, ये मत भूलो। वैसे खाते वक्त ये भागने की प्रतियोगिता क्या है? इन पंचों को बिल्कुल भी अकल नहीं है। अगर वही होता तो वो हमारे शरीर को देखकर थोड़े ना प्रतियोगिता के लिए मान जाते। सही है, वैसे उनकी प्रतियोगिता, उनकी मर्जी, उनके असूल, और साथ ही साथ हमारी होशियारी हम चलाएंगे। मालूम है ना क्या करना है? लंबू के बताए अनुसार समय को बढ़ाना नामुमकिन है, पंच ये बोल देते हैं। अंडों के टेबल के पास लंबू खड़ा हुआ था और मिर्ची के टेबल के पास जम्बू। पंच विसल बजाकर प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। लंबू जल्दी जल्दी 2 अंडे खाकर भागने लगता है और मिर्ची के टेबल के पास आता है। क्योंकि उसने 2 अंडे खाए थे तो उसे अभी 2 मिर्चियां खानी है। अगर उसने नहीं खाई तो जम्बू को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, कहकर पंच ऐलान करते हैं। ये बात सुनकर जम्बू अपने मन में सोचता है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, 1 मिर्ची खाकर ही मेरी ये हालत हो गई है। अगर 2 मिर्ची ये खाएगा तो इसे तो दिन में ही तारे दिखाई दे जाएंगे। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगता है और अंडों के टेबल के पास आता है। गांव के मुखिया के बताए अनुसार लंबू 2 मिर्च खाकर वहां से भागने लगता है। 2 मिर्च खाने की वजह से लंबू की आंखों से पानी निकल रहा था। जम्बू अंडा खाकर तुरंत मिर्ची की ओर भागता है, लंबू के टेबल के पास आता है। ऐसे ही 5 राउंड होते हैं, दोनों थक जाते हैं। मिर्ची की जलन की वजह से आंखों से पानी निकल रहा था, उन दोनों को प्यास लगने लगी। पानी दीजिए, पानी पीने के लिए पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी। इस पर गांव का मुखिया कहता है कि दोनों में से सिर्फ एक को ही पानी मिलेगा, जो भी पानी पिएगा उसे प्रतियोगिता से निकाल दिया जाएगा, उसे हम हारा हुआ मानेंगे। ये बात सुनकर वो दोनों कहते हैं, मुझे जलन नहीं हो रही और ज्यादा प्यास भी नहीं लग रही, जम्बू को पानी दीजिए, बेचारा बहुत देर से मिर्ची खाकर चिल्ला रहा है, दीजिए दीजिए उसे पानी दीजिए। ये कहकर जम्बू की ओर देखते हुए आंख मारता है लंबू और मुस्कुराता है। लंबू के आंख मारने को देखकर जम्बू उसका मतलब समझ जाता है और कहता है, मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं है, मैंने तो 1 ही मिर्ची खाई है, तो मुझे जलन कैसे होगी बताइए। हाँ, मैं तो लंबू के लिए पानी मांग रहा था, मुझे पानी नहीं चाहिए, उसे पानी दो। ये कहकर वो लंबू की तरफ घूमकर आंख मारता है। इन दोनों की बातें सुनकर गांव के पंच हंसने लगते हैं। उन्हें मालूम था कि मिर्ची में बहुत जलन है, इसलिए उन्होंने पानी का इंतजाम नहीं किया। अंडा खाकर मिर्ची की ओर भाग रहा था लंबू, मिर्ची खाकर अंडे की ओर भाग रहा था जम्बू। दोनों इस तरह भागते भागते एक दूसरे को बिना देखे टकरा जाते हैं और एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ऐसा लगा जैसे समझो जमीन में भूचाल आ गया हो। वहां खड़े सारे लोग हिल जाते हैं, फिर देखने लगते हैं। नीचे गिरे दोनों में से लंबू की नाक पर चोट लग जाती है, उसकी नाक पर सूजन आ जाती है। जम्बू को मुंह पर चोट लगती है, चेहरे से खून बह रहा था। दोनों अपने घावों को नजरअंदाज करते हैं। उठकर झट से अंडों की ओर भागता है जम्बू और मिर्ची के पास आता है लंबू। अब बस 1 मिनट का ही वक्त था, 10 अंडे थे
और 10 मिर्चियाँ। कौन जीतेगा ये देखना है। नीचे गिरने की वजह से लंबू की नाक सूज गई थी और जंबू का चेहरा पूरी तरीके से घायल हो गया था। दोनों अपने घावों को नजरअंदाज करते हुए उस प्रतियोगिता को जीतने के लक्ष्य में थे। कौन जीतेगा ये देखना है कहकर वहाँ के लोग एक दूसरे से कह रहे थे। अंडों को देखते हुए अपने पेट को सहलाते हुए ये सोच रहा था जंबू। बाप रे, पेट भर गया है। एक मिनट का वक्त है। अगर मैंने नहीं खाया तो लंबू जीत जाएगा। अगर मैंने खा लिया तो मेरे पेट में दर्द होगा। अब क्या करूं, क्या करूं? जंबू ये सोच ही रहा था कि मिर्ची के पास खड़ा लंबू मिर्च को लेकर खाता है। बस और क्या, एकदम से जोर से चिल्लाने लगता है। नाक और कानों में से धुआं निकलने लगता है और वो चकराकर गिर जाता है। ये देखकर जंबू तुरंत भागते हुए लंबू के पास आने लगता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। मुंह में रखा हुआ अंडा बाहर आ जाता है। ये देख गांव का मुखिया कहता है, 5 मिनट का वक्त खत्म हो गया है। कोई भी इस प्रतियोगिता में नहीं जीता। इस वजह से इस प्रतियोगिता को यहीं पर रोक दिया जाता है। ये कहकर लंबू और जंबू दोनों को बैलगाड़ी में डालकर उनके गांव भेज देते हैं। कभी कभी ज्यादा होशियारी भी आपको महंगी पड़ जाती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।